देखिए यहाँ पर पानी की बौछारें हो गई प्रदर्शनकारियों पर। पहले लाठी चार्ज हुआ, अब पानी की बौछारें की जा रही प्रदर्शनकारियों पर, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। 1, 2, 3 बैरिकेड्स तोड़ते हुए मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहे। पुलिस के लिए बेहद मुश्किल है किस तरीके से प्रदर्शनकारी को रोका जाए। साफ तौर पर प्रदर्शनकारी है कि अवैध है ये मस्जिद, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आधे घंटे में ही पूरी डिमोलिश हो सकती है मस्जिद, लेकिन आखिरकार प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है, पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? इसी आक्रोश को यहाँ पर सड़कों पर जताया जा रहा है। धारा 163 लागू कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये मसला सियासी रूप से भी बहुत अहम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे तमाम लोगों के ऊपर बैटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। आप सीधे ये देखिए, लड़की यहाँ पर घायल हो गई है। घायल तो हो गए भैया, हम बच्चों को लेने स्कूल जा रहे थे, मैं तो रास्ते में सीधी चल रही थी। लोगों ने यहाँ पे पुलिस प्रशासन मुर्गा पाक, इन लोगों ने पता नहीं क्या करके रखा हुआ है। जब तो पीसफुली जा रही है, परसों भी प्रदर्शन, दो दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ है, सब कुछ ठीक था, लोगों ने एक पत्थर तक नहीं उठाया इनके ऊपर। और इन लोगों की तानाशाही देखिए आप, इन्होंने आम जनता को, ये कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, ये घर घर से यहीं से निकल कर आए हैं। कुछ कारण है, कुछ मुद्दा चैन गंभीर है, इसी करके लोग घर घर से निकल कर आए हैं। बिल्कुल जैस्मिन टारगेट किया जा रहा है चुन चुन के। ये देखिए सीधे तौर पर तमाम लोगों को, चाहे वो मीडिया के, हाँ ये सारा कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करके काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आम जनता को भी इसमें संलिप्त किया जा रहा है, जो लोग सीधे जा रहे हैं अपने रास्ते में। तो यहाँ पर देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संजौली में, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लंबी लंबी पानी की बौछार छोड़ी जा रही है। प्रदर्शनकारियों के बीच में हंगामा हो गया था प्रदर्शन के दौरान, और ऐसे में यहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया काबू करने के लिए, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो मस्जिद की तरफ ना बढ़ सके, क्योंकि कोशिश थी मस्जिद की तरफ बढ़ने की। आक्रोश है हिंदू संगठनों में, वहां के मौजूद लोगों के बीच में, कि आखिरकार एकाएक यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं कमरों के ऊपर, लोगों के ऊपर, ये देखिए सीधे तौर पर, और ये यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित यहाँ पर जैस्मिन हो रही है। देखिए आप, भीड़ आगे बढ़ रही है, दोबारा से भीड़ आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू हुई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर, बिल्कुल फिर एक बार फिर बिल्कुल जैस्मिन बैरिकेड से, कैसे बैरिकेड को आगे बढ़ाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, बैरिकेड को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। ऐसे में पहले लाठी चार्ज किया गया, लेकिन स्थिति जब काबू नहीं हुई, तो उसके बाद यहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया जा सके। बहुत मुश्किल हो रही है पुलिस के लिए प्रदर्शनकारी को काबू करने में, क्योंकि प्रदर्शनकारी बेहद आक्रोशित हैं। और यहाँ पर प्रदर्शनकारी को भी आपने सुना कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा आक्रोश, हमारा गुस्सा जायज है, प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा, आखिरकार सिर्फ आधे घंटे का ही तो काम है, डिमोलिश की जा सकती है अवैध मस्जिद। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारी साफ तौर पर इस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे मस्जिद की तरफ, कि उनको रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन उस बैरिकेडिंग से भी कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है। बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, बैरिकेडिंग को साइड किया जा रहा है। आगे बढ़ती हुई भीड़ आगे बढ़ती हुई, देखिए संजौली शिमला से लाइव तस्वीरें प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले लाठी चार्ज भी किया गया था, लाठी चार्ज के बाद अब ये देखिए दूसरा स्टेप, दूसरा तरीका किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो पूरा मसला है अवैध मस्जिद से जुड़ा हुआ है, आज का नहीं कई दिनों से लगातार यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। फ्लैग मार्च सुबह सुबह लिहाजा पुलिस की तरफ से निकाला गया, और दावा किया गया कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब आग लगती है तब तो पानी होता नहीं, आज हमारे ऊपर पानी बरसा रहे, ये क्या बात होती है? तो बिल्कुल पानी है नहीं, शुद्ध पानी है नहीं, और ये पानी खुला बरसा रहे हैं, ये तो मजाक है। यहाँ कुछ लोग हैं बहस पुलिस से कर रहे हैं, आगे ये तो बड़ा खराब होगा। ये जो पुलिस प्रशासन कर रही है ये बहुत अन्याय कर रही है, और हम इंजन घर तक जाके रहेंगे, चाहे हमारे लाशों के ऊपर से, इन्होंने हमारे बंदों को डंडों से बगैर मतलब के मारा है। शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा था, डाले डाल डाल डाल, बिल्कुल लाओ तो उग्र, हम क्या प्रदर्शन होता जा रहा है, प्रदर्शनकारी तो प्रदर्शनकारियों को आपने सुना, जहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हम लोगों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन की जरूरत क्या पड़ी जब हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे? मसला यहाँ सिर्फ अवैध मस्जिद नहीं है, बल्कि यहाँ पर घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, और इसी को लेकर लोगों के बीच में आक्रोश है।